जालौन जिले के मधुगढ़ कस्बे में करियुगी बेटे ने गुस्से में आकर अपने पिता के पैर का मांस नोच लिया। पिता ने बताया कि बेटा शराब पीकर झगड़ा कर रहा था और उसने मना किया तो गुस्से में आकर बेटे ने ऐसा काम किया। घायल बुजुर्ग को पास के अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। भोपाल के पीपलानी थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने पत्नी को रील बनाने और चरित्र संदेह को लेकर मौत के घाट उतार दिया। आरोपी ने पहले मर्डर किया और उसका वीडियो बनाया और उसके बाद खुद जाकर थाने में सरेंडर कर दिया। मेरठ में सपा कार्यकर्ताओं ने सीएमओ ऑफिस का घेराव किया, गुस्से में आकर नारेबाजी की और सीएमओ डॉक्टर अशोक कटारिया को एक सप्ताह का अल्टीमेट दिया। कार्यकर्ताओं ने कैंसर, डेंगू और मलेरिया के प्रकोप के खिलाफ विरोध जताया। सपा नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वो सीएमओ ऑफिस का घेराव करेंगे। झांसी में नगर निगम ने गणेश चौराहे के पास से नाले से अतिक्रमण हटाया, जिसके खिलाफ स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। अपर नगर आयुक्त ने बताया कि अतिक्रमणकर्ताओं को पूर्व में नोटिस दिया गया था और निरीक्षण के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाया गया। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि ये भेदभावपूर्ण कार्रवाई की जा रही है। आज ही हम लोग गणेश चौराहे पे जो हम लोगों ने अपना वेंडिंग जोन विकसित किया गया है सब्जी वालों के लिए और फल वालों के लिए, उसके पीछे नाली बनी हुई है, नाली क्या नाला टाइप का है, उसके बाद जल भराव बहुत हो रहा है। तो ये पता चल रहा है, जानकारी में आया, पीछे के सब जितने भी दुकानदार हैं उन लोगों ने नाले पे कब्जे किए हुए और नाला साफ नहीं हो पाता है, इसकी वजह से जल भराव की समस्या उत्पन्न हो रही है। इन सभी लोगों को करीब 20 से 25 दिन पहले सबको नोटिस दिए गए थे। हमने पैदल भी पूरा विजिट किया था अपनी टीम के साथ, सबसे कहा भी था, नोटिस किया था, नोट किया गया था कि नाले के ऊपर से कब्जा हटा लें, लोहे का जाल अपना डाल दें ताकि हम लोग की सफाई हो पाए। लेकिन काफी पर्याप्त समय व्यतीत होने के बाद, करीब 20-25 दिन का समय व्यतीत होने के बाद आज हम लोगों ने नगर निगम का अभियान लगा हुआ है। कुछ लोगों ने इसमें बीच में कुछ लोगों ने अपना खोला भी है नाला, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसका प्रतिशत मुश्किल से 2-4 लोगों ने खोला ज्यादा। पटियाली कोतवाली पुलिस ने 3 अंतरजनपदीय बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है। एसपी के निर्देश पर गठित टीम ने चोरी की 6 बाइकें बरामद की। गिरफ्तार चोरों में से 2 कासगंज और 1 अलीगढ़ का निवासी है। फरुखाबाद में 2 युवतियों के शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिले। बता दें ये दोनों मृतक महिलाएं जन्माष्टमी पर झांकी देखने गई थी और उनके शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिले। पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शनी ने फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया और उन्होंने साक्ष्य जुटाए। पोस्टमार्टम हाउस में इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। देखिए, उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अवलोकन किया गया है और सीएमओ से वार्ता भी की गई है, जिससे ये जो पुलिस की इनिशियल फाइंडिंग्स थी, हमारे जो ऑब्जर्वेशन थे और एफएसएल की जो फाइंडिंग्स थी वो मैच कर रही हैं और घटना में दोनों युवतों की मृत्यु एंटीमार्टम हैंगिंग मतलब सुसाइड का केस पाया जा रहा है। बॉडी पे कोई जाहिरा चोट नहीं है, किसी भी तरह की कोई चोट नहीं है, ना ही किसी तरह का कोई असॉल्ट है और दोनों लड़कियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट हम लोग के पास आ गई है, जिससे ये स्पष्ट है कि उनके द्वारा आत्महत्या की गई है। पैनल से दो तो इसका पोस्टमार्टम हुआ है और हमने पैनल से कराया, डॉक्टर विकास पटेल और डॉक्टर मान सिंह, ये दो पैनल में थे। वीडियोग्राफी कराई पुलिस ने और इसमें जो निकला है एस्फिक्सिया ड्यू टू एंटीमार्टम हैंगिंग, सेक्सुअल असॉल्ट की या मारपीट की, कोई कुछ नहीं, कहीं कोई बॉडी प्रोग्राम नहीं, कुछ नहीं ऐसा, केवल हैंगिंग है, केवल हैंगिंग। कासगंज के दीनदयालपुरम कॉलोनी में निर्माणाधीन मकान की दीवार गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई। दीवार गिरने से आसपास चीख पुकार मच गई। पुलिस ने मृतक मजदूर के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मजदूर की मौत से उसके परिवार में कोहराम मचा हुआ है। अमेठी के संथिन गांव में दबंगों ने पुलिस के सामने ही मारपीट की। भाजपा प्रधान गुड्डू और जिला बदर अपराधी सौराव समेत आधा दर्जन लोगों पर लाठी डंडों और कुर्सियों से मारपीट और फायरिंग का आरोप है। कोटेदार घायल हुआ है और दोनों पक्षों के लोग जख्मी हुए हैं। ये घटना बाजार शकुल थाना क्षेत्र के जूनियर हाईस्कूल के पास घटित हुई है। फरुखाबाद के कायमगंज कोतवाली क्षेत्र में 2 युवतियों का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने की घटना के बाद आईजी कानपुर जोन जोगेंद्र सिंह ने पुलिस अधीक्षक और आलोक प्रियदर्शनी के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने कई बिंदुओं पर चर्चा की और मामले को एक गंभीरता से लिया। शासन प्रशासन और पुलिस अधिकारी मामले को गंभीरता से ले रहे हैं और लगातार इस मामले में एक्टिव है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पुष्टि हुई थी, पोस्टमार्टम हो चुका है और हम लोगों ने पोस्टमार्टम
उनका पैनल से और वीडियोग्राफी कराया है और पोस्टमार्टम से जो पुष्टि हो रही है। महोबा के कुलपहाड़ तहसील के बाहर अध्यक्ष और महामंत्री को जान से मारने की धमकी दी गई है। धमकी भरे पत्र में हड़ताल को वापस लेने की बात की गई। अधिवक्ताओं ने तहसीलदार पर आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। वे चेतावनी दे रहे हैं कि यदि तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो वो सड़क पर उतर कर प्रदर्शन करेंगे। हमारा कहना यह है कि जो धमकी दी गई है उनको ये कहा गया कि इस दुनिया में नहीं रह पाओगे, इसका मतलब है कि सीधे जान से मारने की धमकी है और इस संदर्भ में तहसीलदार के विरुद्ध FIR दर्ज होना चाहिए, तो साथ ही साथ तहसीलदार को गिरफ्तार भी किया जाना चाहिए, साथ ही साथ उसके जो मोबाइल वगैरह हैं कनेक्शन हैं वो भी सर्विलांस पे लगाए जाने चाहिए कि वो किन किन अपराधियों से बात करके वो हमको धमकी दे रहा है।